आपको राजस्थान का विधानसभा चुनाव तो याद ही होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बात कर्नाटक की हो रही है तो यहाँ राजस्थान का क्या लेना देना। जी बिल्कुल, लेना देना है। कर्नाटक जैसे समीकरण हमें कभी राजस्थान में भी देखने को मिले थे, जब कांग्रेस को पायलट और गहलोत में से किसी एक को राजस्थान का सीएम चुनना था। उस वक्त भी कांग्रेस ने गहलोत को पायलट के मुकाबले ज्यादा महत्व तो दिया, लेकिन पायलट के बगावती तेवर देख अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस आला कमान का वो फैसला काफी हद तक ठीक भी साबित हुआ है। गौरतलब ये भी है कि सिद्धरमैया पहले ही घोषणा कर चुके थे कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, जबकि डीके शिवकुमार भ्रष्टाचार के कई मामलों और जांच एजेंसियों के दबाव का सामना कर रहे हैं और पता नहीं कब और किस मामले में अदालत उन्हें सजा सुना दे और राहुल गांधी की तरह उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाए। साथ ही दोनों ही अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है और ये हाई कमान का इस वक्त सबसे बड़ा सिद्धर बन गया है। सिद्धरमैया के कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने की अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि 135 में से अधिकतर एमएलए उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। साथ ही सिद्धरमैया एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ राज्य को चलाने का अच्छा खासा अनुभव भी रखते हैं। लेकिन ऐसे में इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि जैसे राजस्थान में पायलट ने वहां पीठ में छुरा घोंपा, या डीके शिवकुमार भी पीठ में छुरा घोंप भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं, क्योंकि सीएम का ऐलान होने से पहले उनके पेट में दर्द भी उठना शुरू हो गया है और ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ होने लगेगी। भारत को अच्छे नेताओं की जरूरत है, कुछ को मौका मिलता है और कुछ को नहीं, और डीके शिवकुमार में वो क्षमता है। इस वक्त डीके शिवकुमार की कीमत पाकिस्तान के ज्यादातर राज्यों से भी ज्यादा है। खैर, सीएम कोई भी बने, लेकिन ये देखना होगा कि कांग्रेस ने जो फ्री का माल देने के लिए वादे किए हैं उन्हें वो पूरा करेगी या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम फिर से वापस लौटेंगे एक नए चुनावी समीकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और देखते रहिए न्यूज़।